तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका पबजी लाइट के कौन बेहतरीन गेम प्लेयर में। अब इस गेम प्लेयर में मैं खेल रहा हूं यार सोलो वर्सेस स्क्वाड और उतरता हूं स्टेडियम। अब लैंडिंग थोड़ा लेट हो जाता है तो भाई मैं स्विमिंग पूल के साइड उतरता हूं, क्योंकि अगर अभी स्टेडियम के साइड उतरा तो भाई बंदों को गन वगैरह मिल जाएगा। फिलहाल मैं स्विमिंग पूल में उतरता हूं और उतरते ही मेरे को टॉमी मिल जाता है और सामने बंदे। अब यहाँ पे दो बंदों को मैं इंस्टेंटली नॉक फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इनका पीटी गायब हो जाता है क्योंकि भाई टॉमी का स्किन लगा हुआ है। खैर स्टेडियम में अभी यार दो स्क्वाड समथिंग आया हुआ है, तो भाई जितने भी बंदे मुझे दिखते जाते हैं ना, मैं उनको पूरा फिनिश करने का ट्राई करता हूँ नॉक करके। और ज़्यादा बंदे आते हैं तो यही घाटा होता है भाई कि यार आपका किल चोरी होने का चांसेस रहता है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, इस बंदे ने मेरा किल चोरी कर लिया। इसलिए मैं भाई यार हमेशा ट्राई करता हूँ कि जिस बंदे को मैं नॉक किया ना उसको इंस्टेंट फिनिश कर दूँ। अब इन बंदों को मारने के बाद भाई मैं स्टेडियम में अपना थोड़ा बहुत बेसिक लूट कम्प्लीट करता हूँ, और जैसे ही मेरा लूट कम्प्लीट होता है गाइस, यार बंदों का फुटस्टेप और फायरिंग साउंड ना ऊपर छत साइड से आ रहा था, तो सीधा मैं छत के साइड ही चढ़ता हूँ। और फिर देखो अब इन बंदों को मारने के बाद मुझे खुशी तो हो रहा था कि क्लच हो गया, लेकिन भाई एक प्रकार का दुख भी हो रहा था क्योंकि इनका पेटी गायब हो गया यार। फिलहाल भाई मैं इन बंदों को मारने के बाद सोच रहा था कि स्टेडियम पूरा क्लियर हो गया, लेकिन भाई स्विमिंग पूल साइड से फायरिंग साउंड आते हैं, तो अब भाई पकड़ना पड़ेगा ना इन बंदों को भी। अब खिड़की के पास जो बंदा दिखता है गाइस, उसको मैं नॉक कर देता हूँ, और नॉक करने के साथ ही उसको पूरा फिनिश करने का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई कवर में चला जाता है। अब उसका जो टीममेट था ना, उसका भी फुट स्टेप मुझे आ रहा था स्विमिंग पूल से ही, तो मुझे लग रहा था कि भाई वो बंदा रिवाइव हो जाएगा। हल्का हल्का झलक दिख रहा था तो मैं उसको और मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई साहब मतलब बंदा का उतना एंगल नहीं मिलता नहीं मेरे को, तो फिनिश तो कर नहीं पाता। लेकिन थोड़ा देर बाद भाई यार उस बंदे का किल मुझे मिल जाता है, क्योंकि भाई मैंने उसको नॉक होने के बाद हल्का सा डैमेज तो दे ही दिया था। फिर अब भाई स्टेडियम के आसपास एक बग्गी मंडरा रहा है, शायद से आपको दिख भी गया होगा। अब मुझे यहाँ पे लगने लगता है गाइस कि जो बग्गी वाला बंदा है ना, वो स्टेडियम में घुस के मेरे ऊपर रश करने वाला है, क्योंकि उसके बग्गी का साउंड अचानक से आना बंद हो जाता है। मैं यहाँ पे होल्ड करके उस बग्गी वाले बंदे का वेट कर रहा था, और उतने में यार स्टेडियम से भी एक बंदे का फायर आता है, तो मुझे पता चल चुका है कि भाई स्टेडियम में भी एक अलग बंदा बैठा पड़ा है। अब वो बंदा भाई यार बॉट फायर दे के पता नहीं भाई किसको बुलाना चाह रहा था, शायद वो मेरे को जानता था कि स्टेडियम में एक बंदा है, तो वो भाई बॉट फायर करके मुझे इन्वाइट कर रहा था। अब मैं भाई उसके ऊपर रश करने आ जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद वो बंदा मुझे को दिखता ही नहीं, तो मुझे अचानक से ख्याल आता है कि शायद ये बंदा सीढ़ी के नीचे बैठा होगा, और मेरा शक बिल्कुल सही होता है। और इस बंदे के बॉट फायर वाले दिमाग के लिए तो यार एक लाइक ठोक ही देना, मतलब भाई बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा था। फिलहाल गाइस इन बंदों को मारने के बाद मैं स्टेडियम से निकलने वाला था, और उतने में यार मुझे सामने साइड से एक बग्गी आने का साउंड आता है। और ये वही बग्गी वाला बंदा होता है गाइस जो बहुत टाइम से स्टेडियम के आसपास मंडरा रहा था। खैर इसका पेटी बना दिया और इसकी आत्मा को शांति दे दी अपन लोग। अब इस बंदे को मारते टाइम यार मुझे अपार्टमेंट साइड से भी फायरिंग साउंड आया था, तो मैं गाड़ी लेके सीधा उधर ही साइड पहुंच जाता हूँ। इधर गाड़ी लाते टाइम यार मुझे लगा नहीं था कि इधर बंदे अभी भी होंगे, क्योंकि भाई बहुत पहले आया था यार फायरिंग साउंड, तो मुझे लगा था कि ये बंदे फाइट करके निकल गए होंगे, लेकिन अभी भी ये बंदे हैं। तो भाई इनको मैं मारने के लिए सबसे पहले तो ग्रेनेड का यूज़ करता हूँ। अब ग्रेनेड से तो ये बंदा बच जाता है, अब मैं भाई सोचता हूँ कि लास्ट एक और ग्रेनेड है उसको यूज़ करने से अच्छा है इसके ऊपर घुस के रस कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर साइड आता हूँ ये बंदा नीचे जंप कर लेता है। अब भाई मुझे लगता है कि ये नीचे जंप किया तो मेरे ऊपर रस ही करेगा, बट भाई साहब ये बंदा तो रस ही नहीं करता, तो मुझे मजबूरन इसके ऊपर रश करना पड़ता है। अब मेरे पास लास्ट ग्रेनेड था, तो मैं सोचता हूँ यार कि इसके पास कुछ तगड़ा गन हो, मतलब एस्ट्रेल के वगैरह, तो वो मेरे को निपटा देगा, इसलिए मैं सोचता हूँ ग्रेनेड से ही एक बार और ट्राई किया जाए। अब ग्रेनेड से हल्का सा तो डैमेज लगा इस बंदे को, और ये भागने लगता है, तो पकड़ते हैं।
ये बंदा भाई अपने आप को बूस्ट करने के बजाय बॉट मारने लगता है। बेचारे का बॉट का किल भी नहीं मिला और इसका खुद का पेट ही बन गया। फिलहाल पहाड़ी साइड से भी यार एक बंदा M60 चलाए जा रहा था, तो मैं उसको स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को दिखता ही नहीं यार। मतलब कहाँ से फायरिंग कर रहा था समझ ही नहीं आता। तो भाई अब मैं इस बंदे को ढूंढने में टाइम वेस्ट करने के बजाय भाई गाड़ी लेता हूँ और बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम अगर किसी एक बंदे पे वेस्ट करोगे तो भाई आपका गेम प्ले नहीं बन पाएगा। खैर अब मैं भाई गाड़ी घुमाने लगता हूँ और काफ़ी टाइम तक गाड़ी घुमाने के बाद भाई बंदे नहीं मिलते, तो मैं सोचता हूँ ड्रॉप ही लूट लिया जाए। और जैसे ही ड्रॉप के पास आता हूँ देखो इधर क्या सीन होता है। तो यहाँ पे मैं बड़ी यार फुर्सत से ड्रॉप लूट रहा था और उतने में यार अचानक से AWM चलता है पीछे से। अब ये बंदा भाई मेरे को एक AWM चिपका भी देता है, लेकिन भाई मेरा हेड पे कनेक्ट नहीं होता, बॉडी शॉट लगता है, तो भाई मैं बच जाता हूँ और उसको नॉक कर ही दिया हूँ। फिर आज सामने साइड से फायरिंग साउंड आया तो समझ जाता हूँ कि सामने भी बंदे हैं। अब रेड हाउस पे जो बंदा फायर दे रहा था ना वो एक बॉट नॉक करता है, मुझे लगा था कि बंदों से फाइट ले रहा है। खैर भाई उसके बॉट का किल तो मैं चोरी कर ही लिया हूँ, अब इस बंदे को भी पकड़ते हैं। अब इस बंदे को तो मैं निपटा देता हूँ, लेकिन मेरा अचानक ध्यान जाता है यार उस AWM वाले बंदे पे, क्योंकि वो नॉक हुआ था तो मुझे लगता है कि वो रिवाइव वगैरह हो गया होगा। तो मैं भाई गाड़ी लेके उधर ही साइड जाता हूँ, लेकिन इधर आते ही मुझे पता चलता है कि भाई जिस बंदे को मैं नॉक किया था ना, मतलब AWM वाला, वो भाई यार पूरा फिनिश हो चुका है, इसके टीममेट इधर थे नहीं। तो भाई अब मैं इसका AWM उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई AWM तो छोड़ना नहीं चाहिए, पाप लगता है। खैर AWM उठाती यार सामने वाले घर से मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो पकड़ते हैं इसको भी। अब यहाँ पे इस बंदे को मारते टाइम यार पता नहीं क्यों मेरा एमओ आर पार जाता है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ। लिटरली भाई मुझे लगा नहीं था कि मैं इस बंदे को मार पाऊंगा, और ये बंदा अगर भाई यार एक शॉटगन और चिपका देता ना मेरे को तो भाई पेटी तो बन ही जाता मेरा। खैर किस्मत सही होने के कारण भाई यार इस बंदे को अपन निपटा देते हैं। अब इस बंदे को निपटाने के बाद भाई आसपास से बॉटों का फायरिंग साउंड आ रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कहीं ना कहीं कि भाई अब लास्ट में सिर्फ बॉट ही बचे होंगे, क्योंकि ज़्यादा बंदे आप मार दो ना तो लास्ट में बॉट ही बचते हैं। और वैसा ही होता है गाइस, लास्ट में सिर्फ 3-4 बॉट ही बचे होते हैं, उनको मैं निपटा देता हूँ। अब लास्ट वाला बॉट यार पूरा फिनिश होता है, तो मुझे लगता है कि जो अब लास्ट बंदा बचा है ना वो रियल बंदा होगा, लेकिन लास्ट बंदा भी भाई बॉट होता है और वो भाई प्ले जोन से ठिल जाता है और इसी के साथ हो जाता है अपना चिकन डिनर। तो गाइस यार आज के गेम प्ले वीडियो में मेरे को पता है आप लोग को उतना मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि भाई उतने अच्छे अच्छे क्लच आज के गेम प्ले वीडियो में हुआ नहीं, और लिटरली भाई यार ये वाला गेम प्ले वीडियो मैं डालने भी नहीं वाला था, लेकिन भाई यार आज कोई गेम प्ले वीडियो मेरे से बना ही नहीं, तो मैं सोचा यार इसी को डाल देता हूँ, क्योंकि बंदे भाई यार डिमांड करते हैं रेगुलर गेम प्ले वीडियो डालने का। भाई यार आज के वीडियो में तो उतना था भाई आप लोग को लगा नहीं होगा, लेकिन मैं भाई आप लोग को दिलासा दिलाता हूँ कि भाई साहब कल जो गेम प्ले वीडियो आएगा ना उसमें खतरनाक क्लचेस होंगे। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो आज के गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ कल वापस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम। और हाँ गाइस यार जो भी भाई मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो अभी तक नहीं किया ना तो वो फॉलो कर लेना यार, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप मिल जाएगा, तो फॉलो जरूर कर लेना यार अपने भाई को।